वेलकम टू अवर टूडेज वीडियो एंड विच यू आर गोइंग टू रीड अवर सेक्शन नंबर फर्स्ट ऑफ यूनिट नंबर सेकंड विच इज़ द वर्ड एट अवर फिंगर टिप्स तो बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल चैप्टर है आपको बस इसे समझने की दे रहे हैं ओके सो यहाँ पर हम लोग क्या रीड कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि जो साइट है ठीक है साइट एंड हीयरिंग हमारे दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेट सेंसेज हैं एंड हमें मतलब पता तो हो गया ही थी कि एवरी जनरली हैव अ गुड आइडिया कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन दोनों चीज़ों की हमारी एवरीडे लाइफ में है ना तो हाउ एवर डू यू रियली थिंक अबाउट द सेंस ऑफ टच दैट प्रोवाइड्स दिस परसेप्शन ये क्या आपने मतलब कभी भी सोचा है जो हमारी सेंस है टच की उसके बारे में कभी आपने ध्यान से सोचा है नहीं ना तो इसलिए हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में जो सेंस ऑफ टच है यू कैन से कि हम उसे अच्छी तरह से मतलब एक्सप्लोर करने वाले हैं बाय अ साइंटिस्ट View of point. ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें साइंटिस्ट है एक एक्सप्लेन करता है हमारी सेंस ऑफ टच को इन सिंपल टर्म्स कि अभी आप इमेजिन करो कि आप ऐसे दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे मतलब आप स्मूथ एंड रफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस भी नहीं कर सकते एंड न सिंपल एक्ट्स लाइक रनिंग वन फिंगर टू सैंड ऑन बीच ऑफ फीलिंग अ स्मूद सैड एंड स्काफ बिकम अटली मीनिंगलेस एंड फ्रस्टेटिंग कि कोई भी मतलब जो भी सिंपल एक्ट्स हैं जैसे आप लोग बोल सकते हो कि किसी भी जो सैंड होती है बीच पे ठीक है आप उसको हार मतलब गा रहे हो या फिर एक स्मूथ सैटन स्कार्फ को फील करना मतलब टोटली totally मीनिंगलेस हो जाएगा टोटली totally फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा उसका कोई भी मतलब ही नहीं बनेगा जब आप किसी मतलब चीज़ को सेंस ही नहीं कर सकते ठीक है सो अभी थैंकफुली मोस्ट ऑफ अस हैव नॉर्मल फंक्शनल हैंड्स हु पावर्स वी टेक फॉर ग्रांटेड इन अवर एवरी लाइफ कि हमारे मतलब थैंकफुली हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हम सबके पास मतलब नॉर्मली फंक्शनल हैंड्स हैं जो अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं ताकि हम टच को फील कर सकें ताकि हम इसको सेंस कर सकें ठीक है इसको हम ग्रांटेड लेते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में मतलब हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो मतलब नॉर्मल सी कोई चीज़ है ना वी आर एबल टू एक्सपीरियंस अ थाउजेंड डिफरेंट थिंग्स बाय जस्ट टचिंग देम कि हम मतलब बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स को फील कर सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं सिर्फ टच की सेंस से एंड हाउ डज़ टचिंग एन ऑब्जेक्ट विद वंस हैंड्स एवोक दी सेंसेशन विच वेर इन मैरियड सब्टल वेज कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बस टच करके हमारे जो हैंड्स में सेंसेशंस एवोक होती हैं जो सेंसेशंस मतलब अकर होती हैं वो कैसे अकर होती हैं एंड वो इतनी ज़्यादा मतलब वैरी कैसे करती हैं इन मैरियड मतलब काउंटलेस या फिर बहुत ज़्यादा नंबर्स में कैसे वैरी करती हैं कैसे डिफरेंट होती हैं ठीक है सो so, ये जो आंसर है ना इन सारी चीज़ों के हमें आंसर मिलता है जो भी हमारी स्किन होती है एंड स्पेशली जो स्किन होती है हमारे पाम्स पे ठीक है विच हेज एग्जीक्यूजाइड पावर ऑफ डेडिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन जिसके पास मतलब एक सॉर्ट ऑफ पावर तो नहीं बोल सकते कि मतलब जो हमारे सेंस ऑफ टच है ना आप उसको एक पावर ही समझ सकते हो एंड जो हमारे स्किन होती है पाम्स पे उसके पास भी एक ये एग्जीक्साइड पावर होती है ऑफ डेडिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो हमारे जो भी हम किसी चीज को टच करते हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करना एक पावर ही है ठीक है तो फॉर इंस्टेंस वन कैन टेल इफ अ मैंगो इज़ राइप और रॉ बाय होल्डिंग इट जनरली एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट ऑबियसली आप मतलब ये भी बता सकते हो कि कौन सा आपका मैंगो जो है वो राइप है राइप मतलब कौन सा आपका मैंगो कच्चा है कौन सा आपका मैंगो पक्का है जस्ट बाय होल्डिंग इट इन हैंड सिर्फ हाथ में पकड़ने से आप ये बता सकते हो बिकॉज जो आपका कच्चा मैं, आ, कच्चा मैंगो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है एंड जो आपका र, राइप मैंगो होता है वो क्या होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ठीक है वी चेक द एयर प्रेशर हम अभी हाँ एक और क्या यूज़ होता है हमारे सेंस ऑफ टच का हम लोग चेक कर सकते हैं जो भी हमारे बाईसाइकिल के टायर्स में हम लोग हवा चेक करते हैं ना बाईसाइकिल या फिर कार के टायर में जो भी हवा होती है उसे दोबारा भरने के लिए हमें सिर्फ उसे प्रेस करने की ज़रूरत होती है हम उससे क्या पता लगा सकते हैं कि मतलब क्या है ठीक है एयर का प्रेशर क्या है उसमें कहीं हवा घटी तो नहीं है या फिर हवा इंक्रीज तो नहीं हुई है ओके सो वी कैन ऑल्सो फिगर आउट शेप्स जस्ट विदाउट लुकिंग एट दैम कि हम मतलब कोई भी शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अपने मुँह पे चाहे पट्टी बांध के देख लो ठीक है एंड अपने सामने कुछ फ्रूट्स रख लो आप उनमें से एक एक फ्रूट को पिक करके देखो आई गारंटी यू कि आप लोग बता सकते हो कि कौन सा फ्रूट कौन सा है ठीक है विदाउट लुकिंग एट दैम के बिना देखे भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को या फिर उनकी शेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वन कैन डिस्टिंग्विश एन ऑरेंज फ्रॉम अ बनाना विद वन आइज क्लोज यहाँ पे भी वही लिखा है कि हम लोग डिफ्रेंस बता सकते हैं कि कौन सा ऑरेंज है एंड कौन सा फ्रूट बनाना है चाहे ही हमारी आइज जो है वो क्लोज ही क्यों ना हो एंड जो स्किन होती है हमारे फिंगर्स पे वो एक्ट करती है लाइक अ सेंसर ठीक है वो एक सेंसर की तरह एक्ट करती है जिसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्मूदनेस ठीक है रफ़नेस जो भी थोड़ा सा यू कैन से के स्मूद नहीं होता है ठीक है थोड़ा सा ऊपर नीचे से सरफेस होता है ठीक है रफ़ सरफेस होता है या फिर स्टिकीनेस हम लोग बता सकते हैं कि कितना चपकी चिप चपकीली कि कितनी मतलब हाँ कि कितना हमारा हाथ चिपक जाता है ठीक है उस पर हम किसी भी चीज़ की सॉफ्टनेस या फिर हार्डनेस बना बता सकते हैं जस्ट बाय टचिंग इट ओके सो हीट कोल्ड वाइब्रेशन मोशन एंड मच मोर हम ये सब चीज़ें भी बता सकते हैं एंड हम लोग ये भी डिस डिफरेंशिएट uh, कर सकते हैं कि पैटर्न्स मतलब कौन कौन से बन रहे हैं ठीक है या फिर हम लोग पैटर्न्स में भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं पैटर्न्स में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड फॉर इंस्टेंस हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो लेटर्स हैं ठीक है थीके? अल्फाबेट के वो कौन से हैं जो नेम प्लेट्स पे लिखे होते हैं नेम प्लेट्स पे वरियस वरीस जो लेटर्स लिखे होते हैं ना आप उनको भी टच से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से लेटर्स लिखे गए हैं अभी आपने ब्रेली सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही होगा ब्रेली सिस्टम या फिर बरेली मेथड के बारे में पढ़ा होगा जिसमें क्या होता है वो एक बोर्ड होता है जिसमें क्या होता है एक लेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वरीस डॉट्स ठीक है मतलब बहुत सारी डॉट्स की मदद से एक एक लेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड हम सिर्फ सेंस ऑफ टच की मदद से बता सकते हैं कि कौन सा लेटर कौन सा है ठीक है अभी जो स्किन है हमारे फिंगर्स पे वो स्पेशली सूटेबल होती है जैसे कि डेलिकेट टास्क होते हैं एंड इज़ मच मोर सेंसिटिव दैन द स्किन ऑन अवर बैक्स और थाइज जो हमारी फिंगर्स पे स्किन होती है वो मतलब ज़्यादा सेंसिटिव टास्क के लिए बनी होती है देन द स्किन ऑन अवर बैक और थाइज एंड फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी भी यू शेप्ड एंड को टच करते हो ऑफ अ हेयर पिन विद द फिंगर वन केन डिफ्रेंशिएट द टू पॉइंट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन और एज सेपरेट पॉइंट्स के कोई भी बता सकता है कि जो यू शेप्ड एंड होते हैं ठीक है एक हेयर पिन के विद द फिंगर वो फिंगर से बता सकता है कि जो दो पॉइंट्स हैं वो कॉन्टैक्ट में है विद द स्किन एज सेपरेट पॉइंट्स ठीक है कि दो सेपरेट पॉइंट्स हमारे स्किन के कॉन्टैक्ट में है एक ही पॉइंट नहीं है ठीक है सो इफ द सेम हेयर पिन टच इज़ वन बैक द सेंसेशन बिकम्स अ ब्रॉड डल वन कि अभी देखो इसमें आपको क्या बताया गया है बेसिकली कि अभी अब आप उसी हेयर पिन को अगर किसी के भी बैक पे टच करोगे तो वो मतलब सेंसेशन इतनी जल्दी नहीं जाएगी ब्रेन तक एंड वो मतलब ब्रॉड या फिर आप लोग बोल सकते हो कि थोड़ी सी डल वन बन जाती है ज़्यादा शार्प नहीं रहती है इसीलिए इसका मतलब रीज़न क्या है इस डिफ़रेंस का रीज़न क्या है जो देखिए हमारे नंबर ऑफ टच रिसेप्टर्स हैं ना वो अलग अलग हैं हमारे हर बॉडी पार्ट में ठीक है जो टच रिसेप्टर्स की क्वांटिटी होती है वो अलग होती है इन अवर बॉडी पार्ट्स एंड द ग्रेटर द पॉपुलेशन ऑफ टच रिसेप्टर इज द ग्रेटर द सेंसिटिविटी कि जितनी ज़्यादा टच रिसेप्टर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ही जो सेंसिटिविटी है वो भी ग्रेटर होगी एंड इन द ह्यूमन बॉडी द फिंगर टिप्स एंड लिप्स हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर्स एंड जो ह्यूम में क्या होता है जो फिंगर टिप्स एंड हमारे लिप्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वे मे नॉट अपेरेंट अभी इसका क्या मतलब है अपेरेंट का मतलब क्या होता है देखिए ईजी टू सी और अंडरस्टैंड कि किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट्स है वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर एस्पेक्ट को उसके को समझ सकें बाय जस्ट लुकिंग एट देम अभी फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो कि वेदर अ पीस ऑफ रॉक इज हार्ड और सॉफ्ट वन के नॉट बी डिसाइडेड बाई जस्ट यूजिंग वंस आई के अभी जो रॉक है देखिए आपके सामने पड़ा है अभी आप ये तो नहीं बता सकते वो हार्ड रॉक है या फिर सॉफ्ट रॉक नो आप उसको तभी बता सकते हो जब आप उसको टच करोगे ठीक है देअर फॉर वी ऑफन हैव टू यूज़ अवर हैंड्स टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड अस इसलिए हमें अपने हैंड्स को यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारे आसपास जो थिंग्स हैं हम उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें दिस इज़ वाई द फिंगर टिप्स हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इसलिए जो हमारे फिंगर टिप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं एंड द रीजन वी हैव मोर रिसेप्टर्स ऑन द लिप्स एंड टंग इज दैट सो वी कैन डिटेक्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ फूड के रीजन क्या है जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ऑन द लिप्स एंड टंग पे जो हमारे रिसेप्टर्स की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा क्यों होती है ताकि जो हम कंसिस्टेंसी है फूड की उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकें कि कहीं जो हमारा फूड है वो ख़राब तो नहीं हुआ है ठीक है एंड वी हैव टू रिकग्नाइज द क्वालिटीज़ ऑफ द फूड वी पुट इन टू अवर माउथ सो दैट वी डोंट डैमेज अवर माउथ एंड इन द इंजेस्टिंग हार्ट ठीक है मतलब हमें यह भी इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है जो टच सेक्टर्स हमारे टंग एंड लिप्स में ज़्यादा होते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कौन सा फूड हम खा सकते हैं अभी आप ये तो नहीं चाहोगे कि को कोई भी हार्ड या फिर इंडाइजेस्टेबल फ़ूड आपके अंदर चला जाए एंड आपके टीथ या फिर टंग को हर्ट करे जब आप उसे चबाने की कोशिश करो ठीक है सो ना अनदर फीचर ऑफ द स्किन इज इट्स अबिलिटी टू सेंस टेम्परेचर अभी एक और अबिलिटी है हमारे स्किन की वो क्या है कि वो टेम्परेचर को सेंस कर सकती है वी आर नेचुरली कैपेबल ऑफ़ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स हम लोग मतलब नेचुरली ही डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि रेंज जो है टेम्परेचर्स की वो ज़्यादा है या फिर कम है ठीक है ना वी प्रसीव टेम्परेचर्स दैट आर लोअर एज कोल्ड एंड हायर एज हॉट कि जो टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं हम उन्हें हॉट बुलाते हैं एंड जो टेम्परेचर्स लो होते हैं हम उन्हें कोल्ड बुलाते हैं एंड दिस एबिलिटी टू प्रसिव डिफरेंट टेम्परेचर्स अलाउज अस टू बी अवेयर ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट ये जो हमारी एबिलिटी है जिसे हम लोग प्रसिव कर सकते हैं जो हमारे अराउंड डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं हम इसे क्या बुलाते हैं uh, सेंस ऑफ टच ठीक है एंड यह जो हमारे टेम्परेचर जिससे हम लोग मतलब वाकिफ होते हैं ये हमें अवेयर कराता है जो भी हमारे चेंजिंग इन्वायरमेंट है ठीक है दिस इज इंपॉर्टें बिकॉज एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आर नॉट गुड फॉर द वर्किंग ऑफ अव बॉडी अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर टेम्पेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा हमारी जो बॉडी है उसको डैमेज पहुंच सकता है एंड मतलब बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बर्न्स बन सकते हैं या फिर छाले वगैरह हो सकते हैं एंड देर आर डिफरेंट सेंसर्स फॉर वार्म एंड चिल इन आवर स्किन एंड जो डिफरेंट सेंसर्स होते हैं हमारे स्किन में ठीक है वार्म एंड चिल के लिए कि कौन सी चीज़ वार्म है एंड कौन सी चीज़ ठंडी है ठीक है विच इंडिकेट्स द चेंजेस इन टेम्परेचर्स टू द ब्रेन एंड हेल्प अस एक्सपीरियंस द सेंसेशन अभी दीज रिसेप्टर्स हैव मोर देन वन फंक्शन अभी ये जो रिसेप्टर्स हैं उनके एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन फॉर एक्साम्पल प्रिंसिपल इंग्रीडियंट इन चिली इज अमिकल कॉल्ड कैप्सिकली में जो मेन इंग्रीडियंट होता है वह क्या होता है सेम रिसेप्टर दैट सेंड द मैसेज ऑफ हॉट टू द्रेन अभी ये जो कैप्सिकन है इसको जो सेंस करने वाला रिसेप्टर है वो सेम रिसेप्टर है जो हॉट की फीलिंग को सेंस करता है इसीलिए जब भी आप एक चिली खाओगे तो आपको हॉट लगेगा आपको स्वेट आएगा ठीक है तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपकी कोई भी मेंथॉल वगैरह की जो भी कौन कैंडीज़ होती हैं ना तो जब आप उसको खाओगे तो आपको मतलब एक कोल्ड सी सेंसेशन होगी है ना क्योंकि ये जो आपकी सेंस है या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जो रिसेप्टर्स हैं वो आपकी कोल्ड की सेंसेशन को भी प्रिसीव करते हैं ठीक है इसीलिए जब भी आप एक मैंथॉल केमिकल या फिर मैंथॉल कैंडी खाओगे तो आपको ठंडा फील होगा ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय